कैसे हो आप सब। मैं हूँ प्रीति, आप सबकी दोस्त और हमेशा की तरह आप सभी का हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th साइंस के बाद आपके लिए क्या क्या डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सकते हैं। 12th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी धारणा होती है कि इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर ये दोनों बेस्ट ऑप्शन है, उसी में वो जा सकते हैं और अपना करियर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। 12th साइंस करने के बाद आपके लिए बहुत सारे करियर ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पीसीएम एंड पीसीएम ये दोनों भी चीज़ें कवर अप करेंगे। पीसीएम करने के बाद आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, पीसीएम करने के बाद आपके लिए क्या डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, इन सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और हमारे आज के इस वीडियो की तरफ हम शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। 12th करने के बाद वो कॉमर्स फील्ड में भी अपना करियर ऑप्शन जो है वो चुन सकते हैं। लेकिन कॉमर्स एंड आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, ये बात आप ध्यान में रखें। 12th साइंस करने के बाद स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए। पीसीएम करने के बाद 12th साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सकती है। तो पीसीएम करने के बाद पहला जो करियर ऑप्शन है वो है बीटेक। तो बीटेक के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानकारी भी है इसके बारे में कि बीटेक के फील्ड में बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं। तो ये एक अच्छा करियर फील्ड है। आपको इस बीटेक में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये एक 4 साल का कोर्स होता है और इसमें आपको जो है एक एंट्रेंस एग्जाम भी पास करना होता है। ये बीटेक करने के बाद फ्रेंड्स आपको दोनों भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब जो है वो मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, सेकंड करियर ऑप्शन है वो है बीएससी। तो बीएससी में आप क्या कर सकते हो, छोटा ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है एंड इसमें आप अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है मैथ्स या फिर बायोलॉजी वो उसमें चूज कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपको कुछ कॉलेजेस में इसमें बीएससी में एडमिशन लेने के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम भी देनी होती है, फिर कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं वहाँ पर आपको डायरेक्ट एडमिशन भी 12th के बाद मिल सकता है। फ्रेंड्स, बीएससी करने के बाद आप एमएससी भी कर सकते हो। एमएससी एक मास्टर डिग्री होती है, ये कंप्लीट करने के बाद आपको किसी भी फील्ड में आपको एज अ टीचर प्रोफेसर जो है ऐसा जॉब मिल सकता है। तो थर्ड ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये एक बहुत क्रिएटिव करियर फील्ड है। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको बिल्डिंग की डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो जिनको क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिविटी में अच्छा इंटरेस्ट है, जिनको बिल्डिंग्स के डिज़ाइन बनाना अच्छा लगता है, वो इस फील्ड में जा सकते हैं। फ्रेंड्स, फोर्थ ऑप्शन जो है पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए वो है पायलट। अगर आपको प्लेन एरोप्लेन उड़ाना अच्छा लगता है, एरोप्लेन में आपको बैठना अच्छा लगता है, पायलट बनना चाहते हो आप, तो वो पायलट में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। फिफ्थ करियर ऑप्शन आपके लिए वो है बीसीए। बीसीए मीन्स बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर फ्रेंड्स आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर की पढ़ाई करना आपको अच्छा लगता है, तो आप बीसीए में भी एडमिशन ले सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, आपको आईटी कंपनीज में अच्छे तरह से जॉब मिल सकता है बीसीए करने के बाद। तो फ्रेंड्स, सेवन करियर ऑप्शन है वो है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सैलरी जो है वो मिलती है। तो इसमें क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि मरीन इंजीनियरिंग होता है, नॉटिकल साइंस होता है, शिप मेंटेनेंस, इतने सारे कोर्स जो होते हैं इसमें मर्चेंट नेवी में अवेलेबल होता है और इसमें सैलरी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मिलती है। बहुत अच्छा कोर्स है ये आपके लिए। मर्चेंट नेवी में अगर आप जाते हो तो इसमें आपको कई सारे देशों में जो है सफ़र करने का मौका मिलता है एंड आपको इसमें देश से की सेवा करने का भी मौका मिलता है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शंस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए। पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या डिफरेंट करियर ऑप्शंस हो सकते हैं 12th साइंस करने के बाद। फर्स्ट है वो है एमबीबीएस। तो एमबीबीएस उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको डॉक्टर में करियर करना है, जिनको डॉक्टर बनना है आगे जाके, तो वो एमबीबीएस जो है वो एक करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, वो आपको पास करना होता है। दूसरा करियर ऑप्शन है वो है एनवायरमेंटल साइंस। तो अगर आपको एनवायरमेंटल के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, एनवायरमेंटल से चीज़ें जो कुछ भी जुड़ी हुई है एनवायरमेंटल से रिलेटेड, अगर वो आपको अच्छी लगती है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, तीसरा करियर ऑप्शन है पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए, वो है फार्मेसी। तो फार्मेसी भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, आपको जो मेडिसिन होती है उसमें आपको कैसे उनको संभाल के रखना है, कैसे उनका ध्यान रखना है, कौन सी मेडिसिन कहाँ पे रखना है, इनके बारे में आपको बताया जाता है। फार्मासिस्ट का काम जो होता है फ्रेंड्स, वो बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। इनमें आपको जो होती है दवाइयाँ जो होती है वो आपको उनका विवरण अच्छे से करना आना चाहिए। अगर आपने उनका विवरण अच्छे से किया होगा तो फिर आपको ग्राहकों को अच्छे तरीके से, उनको जो भी कोई ग्राहक आता है, आपके कस्टमर आते हैं आपकी दुकान पे, तो उनको आपको वो सही तरीके से उनको देना आना चाहिए। तो फार्मासिस्ट का भी करियर अच्छा ऑप्शन है। तो इसमें आपको भी अगर रुचि है तो आप इसमें अपना करियर जो है वो बना सकते हैं। अपना करियर ऑप्शन है पीसीबी स्टूडेंट के लिए वो है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट यानी कि क्या मतलब,
होता है, आपको व्यायाम के जरिए लोगों के कमर का दर्द, गर्दन का दर्द या फिर उनके कोई जोड़ों का दर्द है, घुटने में उनके कोई दर्द है, तो आपको उनका व्यायाम करके उनका सही करना होता है। ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस फील्ड में अपना करियर जो है वो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला करियर ऑप्शन है वो है साइकोलॉजिस्ट। अगर आपको अच्छा लगता है लोगों के मन के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना, तो आप इसमें करियर जो है अपना कर सकते हो। इसमें आपको लोगों के भावनाओं से टच करना पड़ता है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सॉल्व करने होते हैं इस फील्ड में। तो अगर ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, आप अगर इसमें भी अच्छा अपना जो है करियर बना सकते हैं अगर आपको ये अच्छा लगता है तो। अगला करियर ऑप्शन है पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए, वो है नर्सिंग। नर्सिंग भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स नर्सिंग जो है वो ज्वाइन करते हैं। इसमें डॉक्टर के साथ नर्सिंग का भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पेशेंट का ख्याल रखने में। डॉक्टर के साथ हर एक काम में नर्स जो होते हैं वो होते ही होते हैं। तो ये भी अच्छा करियर ऑप्शन है, इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। इसमें भी आप जो है अपना करियर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको पीसीबी एंड पीसीएम के बाद क्या क्या डिफरेंट करियर ऑप्शंस हो सकते हैं इनके बारे में मैंने आपको आज इन्फॉर्मेशन दी। अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं इस टॉपिक पर जरूर एक वीडियो सेपरेट सा बनाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको पूरे कोर्सेज के बारे में डिटेल में तो नहीं बता सकती, ऐसे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इस पर एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आपको अगर कौन से सब्जेक्ट पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।